हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि यदि द्वारिका न्यू दिल्ली से वैकेंसी आती है तो प्लीज़ बताएं। तो वैकेंसी आ चुकी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है, बाकी जो आप देखते हैं एनसीटी की गाइडलाइंस जो कि स्कूल में लागू होती हैं हमारे पाठ्यक्रम में, यहाँ से वैकेंसी आई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कोई एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। आवेदन जो है आप लोगों को नहीं करना है, सीधे जो है इंटरव्यू के लिए पहुँचना है द्वारिका न्यू दिल्ली। सैलरी यहाँ पर 75,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में एजुकेशन फील्ड में आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पर सबसे नंबर वन पर, सीरियल नंबर वन, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जाना है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, वैकेंसी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, उम्र वगैरह क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पोस्ट का जो नाम है एकेडमिक कंसल्टेंट इन द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सेक्टर 10 द्वारिका न्यू दिल्ली। नंबर ऑफ पोस्ट हैं तीन, तीन पोस्ट हैं। उम्र जो है 65 वर्ष रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री कहा गया है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने 55% मार्क्स के साथ, और साथ में एक डिग्री होनी चाहिए। बीएड हो सकती है, बीलेड हो सकती है, एमएड, एमए एजुकेशन, बीएड एमएड, बीए, बीएससी या बीकॉम, बीएड विद मिनिमम 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कहा गया है 3 साल का जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है या फिर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो संस्थाएं हैं वहाँ पर हो सकता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपने अगर कहीं काम किया है, कोई रिसर्च किया है, कोई ट्रेनिंग की है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपने एम फिल किया है तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी किया है तो भी आप यहाँ फॉर्म फिल करें, अगर नहीं भी किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का एजुकेशन फील्ड में मांगा ही गया है। सैलरी जो है यहाँ पर मंथ जो है 75,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगी। काम क्या करना होगा, तो नेचर ऑफ ड्यूटीज में यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप रीड कर लेंगे। फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यक्रम तैयार होता है एनसीटी के द्वारा, तो यहाँ पर जो है आपकी सलाह जो है मांगी जाएगी। तो 1 साल का बीएड कोर्स इससे संबंधित, या 2 साल का बीएड कोर्स का फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम, या 4 साल का, ठीक है। इसके अलावा टेट की जो गाइडलाइंस होती है, तो ये जो है आपके काम रहने वाले हैं। नेक्स्ट एक और वैकेंसी है डाटा एनालिस्ट पोस्ट की। यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है, 3 वैकेंसी है और लोकेशन वही है द्वारिका न्यू दिल्ली। ये दोनों ही वैकेंसी जो है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 6 महीने के लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने के लिए जो है दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 65 साल जो है इसकी उम्र रहने वाली है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जो कि कंपलसरी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक में या इकोनॉमिक्स में, अगर आपने एमए एजुकेशन किया है स्टेटिस्टिक के साथ, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर साथ में रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। और भी जो है यहाँ पर काफी चीजें जो है वो मांगी गई है। सैलरी जो है आप लोगों को यहाँ पर 1 लाख पर मंथ जो है वो मिलने वाली है। तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पर मांगा ही जाएगा इतनी अच्छी सैलरी के साथ। 6 लाख जो है आप लोगों को यहाँ पर सैलरी मिल जाती है 1 साल के ही अंदर। ये है इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा, इसे आप भर लेंगे और दिए गए डेट और टाइम पर आप लोगों को पहुँचना है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9:30 बजे से 11 बजे तक 27 सितंबर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा उसके बिफोर स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले जो है आप लोगों के ये 2 काम होंगे। सबसे पहले आप लोगों को समय पर पहुंच जाना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू रहेगा। 27 सितंबर जो है डेट रहने वाली है। बाकी जाने से पहले जो है आप लोग ये जो पूरी पीडीएफ फाइल है रीड करके जाएं, अच्छे से पढ़कर जाएं, कोई भी जो है चीज़ ना छूटे।
ऐसे ही वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस बनते हैं समय पर आप तक पहुंच सके। हो सकता है ऐसी वैकेंसी जो है वो बिल्कुल आपके जो है सामने से निकल जाए और आपको पता ही ना चले और आप लोग उसके लिए एलिजिबल रहे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।